दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हम देख रहे हैं कि तबला संगीत का अटल साथी ये कितना सार्थक वाक्य प्रयोग है। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, ये परिभाषा है संगीत की। और इससे ये बात जाहिर है कि संगीत के अभिन्न अंग है गायन, वादन तथा नृत्य। और इन तीनों प्रकारों में तबले का जो प्रयोग है, तबले का जो इस्तेमाल है, वो लगातार होते आया है, होते रहता है और होने वाला है। कालजयी वाद्य है हमारा तबला, और इस वाद्य का प्रयोग संगीत में जितनी अटलता से होता है, जितनी अपरिहार्यता से होता है, ये बात जाहिर करती है कि तबला एक कितना महान वाद्य है और कितना परिपूर्ण वाद्य है। तबले की परिपूर्णता पर हम जब नज़र डालते हैं तो हमें नज़र डालनी होगी नृत्य पर भी, क्योंकि आज तक हमने देखा कि गायन के साथ तबला कैसे बजता है, वादन के साथ तबला कैसे बजता है, और वाद्य यंत्र हमारे जितने भी हैं उस हर वाद्य यंत्र की जो प्रकृति है, उस वाद्य यंत्र का जो नेचर है, उस नेचर को मद्देनज़र रखते हुए तबला किस प्रकार बजता है। तो जाहिर है कि नृत्य के साथ जब तबला बजता है तो उसका भी परामर्श हमारी इस कार्यक्रम में हमें लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी बारे में कुछ बातें आपको बताएंगे नृत्य के बारे में। और ये बातें आपको बताने के लिए आए हैं महान नृत्यकार श्री नंद किशोर कपोते जी। आप महान नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी के शागिर्द हैं और नृत्य के क्षेत्र में आपने बहुत से प्रोग्राम पेश किए हैं। आप इसमें अध्यापन भी करते हैं और बहुत से शागिर्द आपके इस क्षेत्र में नामान्वित हो चुके हैं। समीर जी नमस्कार। जैसे कि हम इतने दिनों से देख रहे हैं जी हाँ, कि लय और बोलों का जो खुशनुमा रंग है वो गायन में भी तबला पेश करता है, वादन में भी तबला पेश करता है, और जैसे कि आज हम नृत्य का भी देखने वाले हैं, लेकिन समीर जी ये बताइए कि ये वाद्य जो है ये सिर्फ सुनाई देने वाला वाद्य है या देखे जाने वाला भी वाद्य है? अंगेश जी देखिए, कलाओं के दरबार में नृत्य एक ऐसा प्रकार है जिसमें तबला तो बजता ही है, लेकिन जैसा आपने अभी पूछा कि जो बाकी वाला म्यूजिक है, जो संगीत है, संतूर है, बांसुरी है, गाना है, ये सिर्फ सुनने की चीज़ है, लेकिन नृत्य जो है ये देखने की भी चीज़ है। बिल्कुल। लेकिन देखने के साथ साथ तबला उसके साथ जब बजता है तो वो देखने के लिए और सुनने के लिए काबिल हो जाता है, उसको एक अलग ही अंजाम अपने आप आ जाता है। और जैसे कि नृत्य में गाना भी होता है, गाने के साथ नृत्य होता गाना है, बजाना भी होता है, फिर बजाने पर नृत्य होता है जी हाँ, और उसमें जो दृश्यमान स्वरूप होता है नृत्य का जी, तो उसमें गाना बजाना जो है वो तो चार चांद लगा ही देता है जी। तो जैसे कि मैंने सुना है कि नृत्य में नृत्य और नृत्य ये दो प्रकार होते हैं, और क्या ये नृत्य और नृत्य इन दोनों में भी तबला अटल है? देखिए, इसके लिए एक मैं आपको उदाहरण दूंगा। हमने पिछले वक्त देखा था कि आलाप जोड़ झाला जो प्रकार है संतूर में जो बजता है या बांसुरी में जो जो बगैर तबले के बगैर तबले के, उसे हम इस बार इस जगह पर नृत्य कह सकते हैं।
और जब वो हम गत शुरू करके तबला बजते हैं तो उस जगह इसे हम नृत्य कह सकते हैं। क्या बात है। तो नृत्य और नृत्य में जो भेद है वो मैं आप हम लोगों ने जो पिछले एपिसोड में देखा था जो संतूर वादक और बांसुरी वादक के साथ आलाप झोड़ झाला और उसके बाद जो गत होता है, तो ये फर्क है, एक ताल विरहित और ताल के साथ। अच्छा, यानी एक तो ताल के साथ है और एक तो लय के साथ है। लेकिन ताल विरहित इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ ताल नहीं, वो उसकी कल्पना है ताल के सिर्फ, वहाँ बजता नहीं है ताल। इसका मतलब ये है कि नृत्य और नृत्य ये दोनों भी तबले के बिना अधूरे हैं। जी हाँ, वैसे तो लयकारी चलती है, ताल भी उसमें होती ही है, तो क्योंकि ये ताल का ही एक नृत्य आविष्कार होता है। जी हाँ, कि उससे नृत्य हम पेश करते हैं। जी हाँ, तो हमारे देश में नृत्य की जो कई शैलियाँ हैं, जैसे कि कहा जाता है कि ओडिसी है, भरतनाट्यम है, कथकली है, मणिपुरी है जी, फिर कथक भी है। जी हाँ, तो क्या इन सब शैलियों में जो ताल वाद्य इस्तेमाल होता है जी, क्या वो तबला ही है? ऐसा नहीं है, लेकिन कथक एक ऐसा नृत्य प्रकार है जिससे तबले की नज़दीकी निश्चिता है उसका, तबले का। अच्छा, कथक उत्तर भारत की उत्तर भारत शैली है, नृत्य शैली है। लेकिन बाकी वाले नृत्य प्रकारों में भी वाद्य तो होता है, ताल वाद्य कोई ना कोई, लेकिन तबला जो है वो खास कथक नृत्य शैली के साथ ही होता है। बिल्कुल। तो जब तक हम कथक के बारे में सिर्फ बातें ही करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आने में हमें कुछ देर लगेगी, तो बेहतर ये होगा कि हम नृत्य ही देख ले। और शुरू में हम श्री नंद किशोर कपोते जी से नृत्य देखेंगे और उससे अनुभव करेंगे। तो शुरू में हम देखेंगे कि ये आमद जो होती है ये कैसी होती है। जी हाँ। समीर जी जी, ये आमद जो शुरुआती नृत्य होता है तो ये कौन से बोलों पे होगा? वो तो अपने अपने घराने की पद्धति से हर कथक नृत्य कलाकार जो है वो लेता है। आमद का मतलब जो है वो आना, मतलब आना। तो वो नृत्य शुरू करने से पहले रंगमंच पर आते वक्त एक आकर्षक बोल समूह बजकर तबले पर जब बजता है उसके साथ नृत्य कलाकार अपना प्रवेश करता है। बिल्कुल। एक मैं आपको उसका एक नमूना दिखाऊं? बिल्कुल, इस नमूने के साथ ही हम सबसे कहेंगे कि खुशामदीद। जी, एक और बात है, जैसे हमारे तबले में उठान होती है वैसे इसमें भी आमद होती है। अच्छा। तबला उठान कहते हैं, उठान और आमद आना एक ही बात। बिल्कुल। एक दिखाता हूँ मैं। धातीट 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 धे ता धातीट 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 धे ता क्या बात है, इस तरीके से की कुछ आमद होती है। वाह, तो आपने तबला तो बजाया ही, साथ में अपने मुंह से भी कुछ बोल हमें सुनाए, तो क्या नृत्य में ये जो बोल जो है ये मौखिक रूप से ही कहे जाते हैं? तबले के साथ कुछ ऐसे बोल प्रकार होते हैं जो पढ़न करके अगर श्रोताओं को सुनाया जाए तो उसका आनंद जो है वो श्रोता लोग या दर्शक, कथक के बारे में दर्शक भी बोल सके, वो देखा भी देख, तो उसे पढ़न कहते हैं, तो वो सुनने से उसका जो रसिक जन है वो ज्यादा आनंद उठा सकते हैं, उठाते हैं। और इसके जो बात है, कथक में जो बोल जो होते हैं वो काफी लंबे चौड़े होते हैं। तो अच्छा, नृत्य के लिए समीर जी ये हमारे तबले के जो बोल है तो क्या नृत्य के लिए कुछ बदले गए हैं? क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि धा के लिए थे या थई ऐसे कुछ शब्द प्रयोग हो जाते हैं, ऐसा होता है, तो क्या सिर्फ नृत्य के लिए
तबले के इन बोलों को कुछ थोड़ा तब्दील किया गया है? हाँ, नृत्य के लिए थोड़ा तब्दील किया गया है। कई कई जगह पर थई जो हमारा धा बजता है वह वो लोग थई कहते हैं, धा धीन के वो था थई कहते हैं। अच्छा। आ थई ता थई थई तत आ थई थई तत, ये जो बात है वो तो जैसे धा दिन दिंदा है वैसा ही है, लेकिन क्या है उनका उनकी जो परिभाषा है वो जो नृत्य के साथ करते हैं, वो जो अपने पैरों से वो पदन्यास से वो अपना जो आवाज आविष्करण करते हैं उसे वो थई के रूप में कहते हैं, हम लोग उसे था या धा धीन ही कहते हैं। हाँ, यानी कि इसमें तबले के बोल तब्दील नहीं किए गए हैं, वो तो नृत्य के बोल है, नृत्य के बोल है। तो जहाँ थई आएगा वहाँ धा आएगा। जी हाँ, यही है बात है। लेकिन उनका जो और समन्वय तबले के साथ होता है वो उसी के प्रकार होता है, उसमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, तबला वादक को तबला, क्योंकि हम नृत्य और तबले को कथक में अलग कर ही नहीं सकते। और तबला सिर्फ कथक में ही बजता ऐसा नहीं है, लोक नृत्य में भी जो है आमतौर पर जो लोक नृत्य उसमें तो काफी तबला बजता है। बिल्कुल। अभी हमने बात करते वक्त आपके मुंह से एक शब्द आया था, लय दर्शन। लय दर्शन, तो ये जो लय दर्शन है नृत्य में जो होती है और कथक नृत्य शैली में भी लय दर्शन जो होता है, तो मेरे ख्याल से लय दर्शन के लिए हम कुछ देखते हैं जो कि श्री नंदकिशोर कपोते जी पेश करेंगे और उसे हमें लय का दर्शन हो जाएगा। समीर जी, ये तो हमने आमद देखी, बहुत मज़ा आया उसमें, और मानो कि एक आविष्करण जो है सुंदरता का, सत्यम शिवम सुंदर दर्शन हमने इसके माध्यम से लिया। तो लेकिन तोड़ा भी कुछ कहते हैं और उसमें भी कई प्रकार है, तो ये तोड़ा क्या होता है? देखिए, ताल में जो बंधे हुए कुछ एक घुट जो होता है, या उसे समूह भी कह सकते हैं, उसे तोड़ा कहते हैं। तोड़ा जो होता है वो तो तबले में बजता है सब जगह, इसमें भी बजता है, ये भी हम आपको सुना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मजा आएगा, और बोलता भी हूँ मैं। तत तत थई धधा त्रिकटा, तत तत थई धधा त्रिकटा, तत तत थई धधा त्रिकटा, ता धधा त्रिकटा, थई धधा त्रिकटा, थई धधा त्रिकटा, ता धधा त्रिकटा, थई धधा त्रिकटा, थई धधा त्रिकटा, ता धधा त्रिकटा, थई धधा त्रिकटा, थई धधा। अभी इसमें आपने देखा होगा कि मैं एक जगह धधा त्रिकटा बोला, जहां तिकदा तिक थई वहां धधा त्रिकटा बोला, लेकिन वो पूरा बोल तो ऐसा है, तत तई तई तिकदा दिग दिग थई, तत तत तई तिकदा दिग दिग थई, तत तत थई तिकदा दिग दिग थई, ता तिकदा दिग दिग थई, तिकदा दिग दिग थई, तिकदा दिग दिग थई, ता तिकदा दिग दिग थई, तिकदा दिग दिग थई, तिकदा दिग दिग थई, ता तिकदा दिग दिग थई, तिकदा दिग दिग थई, तिकदा दिग दिग थई, ता। ये है, क्या बात है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बोल है, और इसमें जब नृत्य होता है तो मानो चार चांद लग जाते हैं। बिल्कुल। और ये आविष्करण जो है तबले का और नृत्य का, ये बहुत ही आनंद देता है। तो ऐसा लगता है कि ये जो कथक नृत्य है हमारा, ये
पैर से ताल दिखाने वाला नृत्य है। बिल्कुल। और जो आविष्करण जो होता है अपने पैरों से भी होता है, वैसे तो अभिनय उसमें होता ही है, लेकिन पैरों की जो कलाकारी है इसका भी इसमें ज़्यादा प्रमाण मिलता है। और एक बात कथक नृत्य शैली के बारे में बता सकता हूँ कि संगीत जो हमारी व्याख्या है, जो अपने शुरू में बताई संगीत की व्याख्या, इसमें गायन, वादन तथा नृत्य तीनों का संगम इसमें आ जाता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सिर्फ मैं आपसे ही पूछ सकता हूँ कि हमने इसके पूर्व देखा है कि वाद्य वादन में तबला वादक को पूरी आज़ादी रहती है, वैसे कि गायन में नहीं रहती, तो क्या ये आज़ादी जो होती है, ये वैसे तो नृत्य में थोड़ी मुश्किलें लगती है मुझे, तो इतनी आज़ादी मिलती है नृत्य की संगति करते वक्त? जितनी तो वाद्य वादन के साथ मिलती है उतनी तो इसमें नहीं मिलती, लेकिन वो तबला वादक जो कोई बजा रहा है या वो जो कृथक नृत्यकार है, उन दोनों का अगर समन्वय अच्छा है तो वो तबला वादक को आइन वक्त पर काफ़ी आज़ादी मिल सकती है, लेकिन वो अपनी अपनी प्रतिभा की बात है। ये बात तो है, लेकिन ये जो होता है वाद्य वादन जो होता है नृत्य के साथ, तो ये पूर्व नियोजित होता है ना? हाँ बिल्कुल, पूर्व नियोजित सेट करना पड़ता है। हाँ ये पूर्व नियोजित होता है, लेकिन कई महान हस्तियाँ ऐसे जो पैरों को देखकर तबला बजा देते हैं, क्या डांस कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। और कई महान हस्तियाँ नृत्य में भी ऐसी है कि वो तबला वादक की उंगलियों को देखकर नृत्य भी करते होंगे शायद। तो इसमें अगर ये तो पूर्व नियोजित होना बिल्कुल ज़रूरी है ही, अगर इसमें तबला वादक अपने कौशल का प्रदर्शन करने लगा तो नर्तक हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल में आ सकता है। जरूर आ सकता है, लेकिन एक बात है कि इसका इसमें तबला में कथक में पेशकार भी है, अमद है, पेशकार है, कायदा है, परन है, टुकड़े है, चक्रधार है, सब तबला वादन जो है, तबला एकल वादन जिसके बारे में हम अगले बार जान लेने वाले, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये कथक में सब वो बातें हैं। बिल्कुल। अभी हम उसमें की कुछ चंद बातें देखते हैं, लेकिन एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने संतूर के साथ देखा मंगेश जी कि जैसे तबला जैसे घुल मिल जाता है, बासुरी के साथ घुल मिल जाता है, वैसे कथक में भी बिल्कुल घुल मिल जाता है। इसका अगर उदाहरण देना है तो मैं आपको एक पंडित जी से विनती करता हूँ, एक हम ऐसा एक चक्रधार परन जिसे कहते हैं वो सुनाऊंगा, क्या वो नृत्य करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल, देखते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लयकारी हमने अनुभव की, हमने देखी और उसका आनंद हमने उठाया। ये लयकारी जो बचती है और जो मूर्तिमान होती है नृत्य के रूप में, तो उसका जो समन्वय है ये तो बहुत ही एक बहुत बड़ा आविष्करण होता है, आविष्कार होता है। तो समीर जी, इस नृत्य में जो भाव दर्शन होता है कि जिसमें मेरे ख्याल से पैरों का जो चलन है और जो पैरों से की जाने वाले जो नृत्य प्रकार है उसे बाजू में रखते हुए सिर्फ भाव दर्शन जो चेहरे से या हस्त मुद्रा से किया जाता है, तो उसमें तबले का सहयोग कहाँ तक होता है? बिल्कुल होता है, उसमें भी होता है। नृत्यकार अभिनय जो करता है या भाव दिखाता है जो अपने पूरे बॉडी लैंग्वेज से, यानी कि जो कि शारीरिक इसकी जो भाषा है सब चेहरे से लेकर पैरों तक, तो वो भी जो है वो एक ताल में बंधे हुए, तो इसीलिए ये भाव दर्शन में तबला बिल्कुल ही उतना ही महत्व रखता है जितना आमद या चक्रधार परन टुकड़ों में रखता है। बिल्कुल। तो समीर जी, क्यों ना हम भाव दर्शन में भी पंडित जी से ये उनकी जो मुद्राएं हैं ये देखते हैं और उसमें देखते हैं कि अभिनय अंग में तबले का प्रयोग कैसा होता है। तो देखिएगा भाव दर्शन। डगर चलद देखो, डगर चलद देखो, श्याम कर गए, अरे श्याम कर गए, अरे डगर चलद।
तो आधा तीन ताल में बंधी इस ठुमरी के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत भाव दर्शन हमें पंडित जी ने करवाया। तो ये तो रहा श्रृंगार रस। अब भक्ति रस में अगर हमें भाव दर्शन दिखाना हो तो भक्ति रस के माध्यम से जो ईश्वर स्तुति है तो उसका भी भाव दर्शन हम देख लेते हैं। जरूर। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो कि हम शुरू से लेकर हमारे श्रोताओं के लिए जो बात बताने जा रहे हैं, ताल जो है, ताल और जो उपयोग है वो शुरू से लेकर कितने जगह है। देखिए अभी हमने अद्धा देखा या अद्धा तीन ताल जिसे कहते हैं, कि देखिए हमने शुरू में गाने के साथ भी देखा, जो सीने संगीत है उसमें भी है, वाद्य वादन में भी होता है और यहाँ भी बज रहा है अभी हमने देखा। बिल्कुल। तो ये सात मात्रा है अभी और यहाँ भी आ जाए। ये अभी रूपक जो है सात मात्रा है, इसका इस्तेमाल भी हम शुरू से देख रहे हैं। ओ बसंती पवन पागल, ये जो हमने सीने संगीत लिया, हमारे आम श्रोताओं के लिए जो सुनना चाहते हैं, ये ताल समझना चाहते हैं उनके लिए, तो अभी ये ताल जो रूपक है हमने उपशास्त्रीय संगीत में भी सुना। बिल्कुल। फिर हमने इंस्ट्रूमेंट के साथ भी सुना, इनके वाद्य वादन के साथ भी सुना, और अभी हम वो नृत्य में भी देख रहे हैं, और इसके आगे भी हम तबला एकल वादन में रूपक में भी कुछ बताएंगे। तो देखिए ये जो ताल जो बात है, इसका उपयोग जो है वो कितनी जगह कितने अलग अलग मूड से आता है। तो मैं तो कहता हूँ हर ताल को भी अपना भाव है। बिल्कुल। तो भाव दर्शन में ये जो भक्ति रस है ये हम देखेंगे रूपक ताल के माध्यम से। अर्धांग भस्म बभूत सोहे, अर्ध मोहिन रूप है। अर्धांग भस्म बभूत सोहे, अर्ध मोहिन रूप है। चित्त भाल शोभित चंद्रमा, उत्तम कबीर बाल है, उत्तम कबीर बाल है। अर्धांग भस्म बभूत सोए, अर्ध मोहिन रूप है। अर्धांग ये तो थी ईश्वर स्तुति जो कि ताल रूपक में निबद्ध थी। और जैसे हम हमेशा देखते हैं कि कथक नृत्य शैली में ठुमरी पर दादरे पर जैसा नृत्य किया जाता है, किसी काव्य पंक्ति पर नृत्य किया जाता है, किसी स्तोत्र पर नृत्य किया जाता है, तो उसी तरह से भजन, ये जो ईश्वर के समर्पित भाव से जो भजन होता है उस पर भी नृत्य किए जाते हैं। तो एक भजन हम सुनते हैं जो कि पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की रचना है, और इस पर उनके शागिर्द श्री नंद किशोर कपोती जी ये भाव दर्शन नृत्य हमें बताएंगे। गोविंदा गोपाल मुरारी, गोविंदा गोपाल मुरारी, गोविंदा गोपाल मुरारी। एक रूप में देखूं, एक अनेक रूप में देखूं, गोविंदा गोपाल मुरारी, गोविंदा गोपाल मुरारी, गोविंदा गोपाल मुरारी। ये तो था भजन समीर जी जी। अब एक तो होली भी होती है कि जिसका होली के उस रंगारंग माहौल से संबंध होता है, और होली का जो माहौल होता है वो तो नृत्य के द्वारा बहुत ही खूबसूरती से पेश किया जाता है। खास तौर पर उसकी जो नोक झोंक है होली के वक्त होने वाली, वो कथक नृत्यकार बहुत, और जैसे कि होली हमारा एक उपशास्त्रीय गायन प्रकार भी है ठुमरी दादरे के मुताबिक, तो होली पर भी एक नृत्य होता है। तो हम क्यों ना आज एक होली भी देखें पंडित नंद किशोर कपोती जी से, कि जो दीपचंदी ताल में निबद्ध है। तो मैं तो खेलूंगी उन्हें ही से होरी, ये खास होरी हम देखेंगे पंडित जी से। मैं तो खेलूंगी उन्हें ही से होरी गुड़िया, मैं तो खेलूंगी उन्हें ही से होरी गुड़िया, मैं तो खेलूंगी।
भरी रंग से भरी पिचकारी गुया मैं तो खेलूंगी उन्हीं से होरी 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 गुया मैं तो खेलूंगी। समीर जी जी, ये नृत्य को हमने शुरू किया था आमद से, फिर ठुमरी भी हुई, फिर भाव दर्शन भी देखा, ईश्वर स्तुति भी हमने देखी, भजन भी देखा और होरी भी देखी। लेकिन जब नृत्य का ये जो कार्यक्रम होता है, नृत्य का जो ये आविष्करण होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, तो इसका जो समापन है ये कौन से ढंग से होता है और उसे क्या कहते हैं? ज़्यादातर जो समापन है ज़्यादातर वो कौन सी बात पर होता है? कथक नृत्य शैली में तत्कार एक प्रकार होता है। अच्छा, जिससे जैसे आप देखेंगे कि संतूर या बांसुरी में ऊपर वाली लय में बहुत नादिन दिंदा नातिन दिंदा ना, इसमें बजता है। अच्छा। जिसे हम झाला भी कहते हैं। हाँ। द्रुत झाला। बस वही रूप नृत्य में जो आता है उसे हाँ। तत्कार कहते हैं। तो हम देखते हैं तत्कार और उसका भी लुत्फ उठाते हैं। Thank you.